ओके दादा, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सो एक कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का लास्ट काफी दिनों से आ रहा है, दैट सर एससीएमपी के कुछ पेपर राइटिंग टिप्स या कुछ पॉइंट्स आप डिस्कस कर लो, सो दैट वी आर कंफर्टेबल इन राइटिंग इट। सो आने वाले 5 मिनट में ऑल आई नीड इज योर 5 मिनट्स, पूरे एंड तक रहना, सो दैट वी कैन क्विकली डिस्कस के क्या एग्जैक्टली पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान में रखने हैं। सो हियर आर सम पेपर राइटिंग टिप्स जो मैंने लिखे हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काइंड ऑफ उसमें जो केस स्टडी है उसको आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से चैप्टर में से है, कौन सा कॉन्सेप्ट है। मेरा सजेशन ये है कि कीप केस स्टडी वाला क्वेश्चन फॉर सेकेंड लास्ट या लास्ट, बिकॉज मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स के है ना इवेल्युएटेड आंसर्स मंगवाए, वो जो आते हैं सर्टिफाइड कॉपी, एंड मैंने देखा कि यार इंस्टीट्यूट बहुत स्टिंजी है केस स्टडी ओरिएंटेड वाले क्वेश्चन में मार्क देने में। सी अभी पता नहीं है एग्जाम में कैसा आने वाला है, हो सकता है कोई एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए या एकदम देखा हुआ है जो आप अटेम्प्ट कर लो तो अलग बात है, बट जिस हिसाब से लास्ट 3-4 पेपर का ट्रेंड है और मैं काफी सारे स्टूडेंट्स के सर्टिफाइड कॉपीज देख रहा हूँ एवरी अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट, मुझे लग रहा है कि यार केस स्टडीज में वो लोग ज्यादा मार्क्स नहीं दे रहे इवन वेन पीपल आर राइटिंग गुड। सो उसको थोड़ा फिर सेकेंड लास्ट के लिए रखते हैं, अटेम्प्ट तो करना ही है उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मतलब अपना तो फंडा क्लियर है, 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना ही है, तो उसको सेकेंड लास्ट या लास्ट वाले के लिए रखते हैं जब अपन यू नो टेंशन फ्री रहेंगे। और अभी एटलीस्ट तब तक मेरे को पता है कि यार जब मैं सेकेंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ जिस हिसाब से अपनी तैयारी हुई है उतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि 40-50 मैं स्कोर कर चुका हूं पार, अब केस स्टडी में टेंशन फ्री लिख सकता हूं। यही अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन या सेकेंड क्वेश्चन केस स्टडी से चालू करता हूं देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज तब तक मुझे पता ही नहीं है कि कितना मार्क्स मिलने वाला है, और अगर वो हड़बड़ी में मैं कुछ आगे का प्रॉब्लम ना कर दूं। सो इसके लिए ये स्ट्रैटेजी रखेंगे कि केस स्टडी को सेकेंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, गो थ्रू द होल पेपर, एंड वो 15 मिनट में आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टॉप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो। सो दैट हैज टू बी डिसाइडेड, वो डिसीजन मेकिंग पावर एकदम क्विक रखना, बस आप सीए फाइनल पे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप को स्कोर करना है कि 60-75+ आप स्कोर करने का सोच रहे हो, तो उतना आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि दैट ये 5 क्वेश्चन मुझे आते हैं, 15 मिनट में मैंने डिसाइड कर लिया, नाउ आई एम गोइंग फॉर द किल जैसे ही मेरे पास आंसर पेपर आता है। सो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट खुद के अंदर रखना ही पड़ेगा एटलीस्ट अभी आने वाले 2-3 दिन तक फॉर दिस पेपर। अब वो रोना धोना बंद, याद नहीं रह रहा है, थियोरी है, प्रैक्टिकल है, सब साइड पे, नाउ आई एम क्लियर विद वॉट आई वॉन्ट, जितना किया है अच्छा किया है, एंड आई एम बेटर देन द रेस्ट, मतलब सिंपल। तो दैट्स हाउ योर अप्रोच शुड बी। सो टॉप 5 क्वेश्चंस इनिशियल 15 मिनट्स में क्लियर हो जाने चाहिए, डिसीजन मेकिंग एकदम स्ट्रांग रखना, अपना चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनल डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखना, ये 5 आते हैं ये 5 मैं करके आऊंगा, 1-2 क्वेश्चन में ऊपर नीचे होगा ठीक है उसको अपन लोग लास्ट के लिए थोड़ा रख सकते हैं, बट एटलीस्ट टॉप 4 क्वेश्चंस बहुत क्लैरिटी होना चाहिए उस चीज के ऊपर। 2 क्वेश्चंस विल बी इजी एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, ट्राई करो उसको सॉल्व करके मैक्सिमम उसमें अपन लोग स्कोर कर ले, सो दैट 40 वाला जो हिकअप है वो अपना पहले रिजोल्व हो जाए, मतलब एससीएमपी में सबसे पहले मुझे 40 रिजोल्व करवाना है, बिकॉज ग्रुप 2 में वही एक सब्जेक्ट है जो 40 के नीचे मेरे को खींच लेता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना, ये अगर 50-60 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है एटलीस्ट उसमें 35-40 का आपका एक्सपेक्टेशंस, उतना एफर्ट होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये बार प्रैक्टिकल का भी रिवीजन वीडियोस डाला है, सो दैट आपके तरफ से कोई भी एक्सक्यूजेस ना रहे। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। सो प्लीज प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंटली लिखना, 35-40 आना चाहिए, एंड दैट्स हाउ द अप्रोच शुड बी। फॉर थियोरी राइट इन योर ओन वर्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हो सकता है वो टाइम पे आप थोड़ा एग्जैक्ट वर्डिंग्स भूल जाओ और थोड़ा पैनिक में हो जाओ, अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, खुद के वर्ड्स में लिखो ना, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली और एग्जाम्पल्स तो आप लोगों को याद ही होंगे, वो तो याद रह ही सकते हो, रख ही सकते हो आप, और फिर बाद में जब लिखना चालू करोगे ना खुद के वर्ड्स में, एग्जाम्पल्स बनाना चालू करोगे तो कुछ कीवर्ड्स भी याद आते जाएंगे, बस वो लिख लेना साथ में, सो दैट विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू। केस स्टडी ओरिएंटेड वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए ये स्ट्रैटेजी रखना है अपने को, सबसे पहला इश्यूज। सो आपको केस स्टडी ओरिएंटेड वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये 4 फॉर्मेट, मतलब ये जो 4 मैंने बोलते ना डिवीजन किया है, इसी हिसाब से आपको पेपर लिखकर आना है। सबसे पहले आप इश्यू डिस्कस करोगे, जी हाँ ठीक है, तो वो तो जो क्वेश्चन में दिया है वही डिस्कस करने वाले हो। सेकेंड, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट टू बी यूज्ड इन द क्वेश्चन। सो अब जो भी क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे अगर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल या परफॉर्मेंस पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन या बैलेंस स्कोर कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करो, आता है ना उसका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन दैट, दैट इज व्हाट हैज टू बी डन। कनेक्ट कॉन्सेप्ट विद द इशू, वो थर्ड पार्ट में आपको लिखना है, तो अब फर्स्ट और सेकंड को मिला के थर्ड पार्ट बनेगा, एंड लास्ट में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
रिकमेंडेशन तो देना पड़ेगा, बट मैं बार बार बोल रहा हूं, अब आने वाले 2-3 दिन प्लीज कॉन्फिडेंट रहना. नाउ इट इज ऑल अ गेम विच इज गोइंग टू बी प्लेड हियर. दिमाग में पूरा अभी गेम है, जो यहां पे स्ट्रांग रह गया वो आगे निकल जाएगा. एकदम सिंपल बात है. ऑलराइट, सो कनेक्ट कॉन्सेप्ट विद इश्यूज, रिकमेंडेशंस. प्रेजेंटेशन के लिए टेंशन मत लो. काफी सारे स्टूडेंट्स इस चीज के लिए पैनिक करते हैं, सर मुझे प्रेजेंटेशन नहीं आया. तो प्रेजेंटेशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है कॉस्टिंग में, एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ. सो हर क्वेश्चन को देखो अपने हिसाब से, आप जो प्रेजेंट करना चाहते हो करो, बस कीप सिंपल एंड रीडेबल हैंडराइटिंग. कोई फिक्स प्रेजेंटेशन पैटर्न नहीं है. वर्किंग नोट्स बनाओ, समरी बनाओ मेन पेपर में, बस यही प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है. सो एकदम आउट ऑफ द ब्लू कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. वर्किंग नोट्स बनाओ, समरी बनाओ, कीप इट इन सिंपल एंड रीडेबल हैंड राइटिंग एंड विल बी एबल टू मैनेज ऑल ऑफ द पेपर एज वेल. सो इसी के साथ ये अपनी चीजें ध्यान में रखनी है. जितना आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा है. सो कीप ऑन रिवाइजिंग, द मोर यू रिवाइज बेटर चांसेस ऑफ रिटेनिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. मुझे नहीं पता है कि अब तक आप लोग ने दूसरा कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा है क्या, बिकॉज डीटी में कॉस्टिंग में 2 छुट्टी है. आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अब मेरे हिसाब से हाफ डे हो गया है एंड नाउ यू शुड पिकअप कॉस्टिंग. और अब जो आने वाला 1.5-2 दिन है, प्लीज उसके ऊपर हार्डकोर लग जाओ एंड गिव इट योर बेस्ट. अब अपने पास देखो अच्छा टाइम है, अच्छा मेहनत किया है. अब लास्ट में मुझे नहीं चाहिए कि कुछ भी यार ऊंच नीच कर लो आप, ठीक है ना. सो स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हाइड्रेटेड, हंसते खेलते करो, टेंशन में मत रहो, बिकॉज यहां से अब अपने को जीतना है. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. आस्ता लविस्ता, और कुछ हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना. आई होप यू हैड अ गुड स्लीप अगर आपने मैराथन देखा होगा तो, एंड या इन जनरल भी ओवरऑल आपका अभी तो बहुत काफी हेक्टिक चल रहा होगा. सो अब रहो यार, मजे से करते हैं अपन लोग एंड क्लियर करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है. चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच.